हेलो एवरीवन वेलकम टू मसाला दानी मसाला दानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है वी आर बैक अगेन विद अनदर ग्रेट रेसिपी फ्रॉम केरला साउथ इंडिया इट्स कॉल्ड चिकन चैटीनाट एंड मालाबार पराठा और अच्छी बात यह है कि चिकन चैटीनाट के साथ साथ हम आपको मालाबार पराठा दो तरीके से बनाना सिखाएंगे तो आई होप आपको आज की हमारी रेसिपी जरूर पसंद आएगी और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए देखिए इतना डिलिशियस चिकन चटीनाट और मालाबार पराठा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करना है काली मिर्च लौंग जावित्री हरी इलायची तेज पत्ता खड़ी लाल मिर्च नारियल का भूरा काजू दालचीनी और ये मैंने दो चक्र फूल लिए हैं यस और कुछ खड़ा धनिया हरी सौंफ और जीरा ये मसाले घर पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं इन सब की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ आइए इन्हें अब हम ड्राई रोस्ट करते हैं ड्राई रोस्ट के लिए पैन में आप सारे मसाले डालेंगे सब करीबन दो ढाई मिनट में लो फ्लेम में ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं आप इन मसालों को चलाते रहिए क्योंकि इसमें जो नारियल का भूरा है कहीं वो जल ना जाए तो इन्हें हल्के हाथ से हम चलाएंगे देखिए सो so, दो से ढाई मिनट में आप देखेंगे इनका कलर चेंज हो गया है हमारा कोकोनट नारियल का भूरा कलर बदलने लगा है मैं यूज़ करूँगी प्याज टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट हरी मिर्च और करी पत्ता इन सब चीज़ों की क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दी है यहाँ मैंने लिया है साढ़े सात सौ ग्राम बोनलेस चिकन जिसे मैंने छोटा छोटा वाइट साइज पीसेस में कट कर लिया है चलिए अब हमारी बड़ी साइज की कढ़ाई लेनी है ऑयल गर्म हो गया है अब प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम में हम फ्राई होने देंगे किसी भी बढ़िया रेसिपी में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा जाता है यू नो फ्राई करने के लिए प्याज को तो डोंट वरी टेस्ट भी उतना ही डिलिशियस आएगा देखिए पंद्रह मिनट हो चुके हैं और हमारा प्याज का कलर भी चेंज हो गया है इसमें मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता और इसी के साथ साथ लहसुन अदरक का पेस्ट अब इसे हम एक दो मिनट और मिक्स करेंगे ताकि जो पेस्ट का रॉ स्मेल है वो चला जाए ये देखिए ऑयल भी रिलीज हो गया है इसमें हम टमाटर और हरी मिर्च ऐड करेंगे यस अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों ये एक ऐसी रेसिपी है जिसके बनाने के लिए आपको कोई भी मैरिनेशन की जरूरत नहीं है आपका मन किया फटाफट -फड़ तैयार हो गए ये देखिए अब हमारा अच्छे से ये मैश हो गया है ऑयल भी रिलीज हो गया है इसमें अच्छे से अब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्दी और नमक डाल देंगे मिक्स इट वेल। अब इन्हीं के साथ साथ मैं इसमें बोनलेस चिकन ऐड करूंगी चिकन को मसालों में अच्छे से मिक्स होने दें और इसे 10 से 15 मिनट तक हम कुक होने देंगे क्योंकि छोटे छोटे पीसेस हैं काफ़ी जल्दी कुक हो जाएंगे जब तक ये कुक हो रहा है आइए हमारे मसाले भी ड्राई हो गए हैं अब इनका एक हम पाउडर बनाते हैं यदि आप पाउडर नहीं बना पा रहे हैं आपकी मिक्सी अच्छे से मिक्स नहीं कर रही है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना सकते हैं ये देखिए मैंने दो स्पून पानी डाला था और ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है अब इस मिक्सचर को हम अपने चिकन में ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे दिस चिकन चटीनाट हैजॉ ऑफ स्पाइसिस तो ये सारा जादू इन मसालों का ही आएगा इसमें ये देखिए काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है इसे और फर्दर कुक होने दें अब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल सकते हैं वरना इसको आप ड्राई भी खा सकते हैं तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसे और कुक करेंगे ना दिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स देखिए काफ़ी अच्छा कलर निकल के आया है हमारा चिकन ने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है थोड़ी सी ग्रेवी भी है देखिए सब बन गया है इसमें हमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा नींबू और धनिया से इसे गार्निश करेंगे ये देखिए हमारा चिकन चटेनाट इज रेडी नाउ केरला में और इवन बहुत सारे फेमस रेस्टोरेंट में इसके साथ हम खाते हैं मालाबार पराठा तो आइए बनाते हैं तीन कप मैदा उसमें मैंने डाला है चीनी नमक बेकिंग पाउडर सूजी इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि हमारा आटा काफी सॉफ्ट बने इस आटे को हम हल्के वार्म पानी से गूंदेंगे और काफी अच्छे से इसे गूंदना है ताकि हमारे पराठे अच्छे सॉफ्ट बने देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने गूंद लिया इसे ओके okay, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और राइट आधे घंटा ऐसे रेस्ट करने के बाद अब हमें जितने साइज़ का पराठे बनाने हैं छोटे या बड़े उसके हिसाब से आप इस डो को डिवाइड कर लीजिए सो so, तीन कप मैदा से अप्रॉक्सीमेटली मीडियम साइज के आप आठ पराठे बना पाएंगे और थोड़े छोटे बनाएंगे तो दस बन जाएंगे यानी तो अच्छे से रोल करेंगे रोल करने के बाद इसे हमने अच्छे से किसी भी शेप में आप इसे कर लीजिए बहुत पतला इसको रोल करना है तो ये स्टेप नंबर वन है फर्स्ट वे ऑफ मेकिंग पराठा जैसे हमने बचपन में कागज के फैन बनाए हैं पेपर फैन सभी ने बनाए होंगे एक्जैक्टली exactly वैसे ही करना है सम स्वीट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड यस जस्ट लाइक दिस स्लोली एंड स्लोली वी हैव टू डू दिस एंड यू कौ दिस इज डन बहुत पतला रोल करना है ये आपको ध्यान रखना है और रोल के बाद उसमें थोड़ा सा ऑयल एंड ड्राई मैदा डाल सकते हैं ओके, अब इसे हम ट्विस्ट करेंगे रोल करेंगे ये देखिए दो फिंगर से ऐसे लेकर इसे थोड़ा ट्विस्ट करते हुए सर्कुलर मोशन में इसका हमें एक लोई बनानी है ये देखिए और जो लास्ट इसका एंड होगा उसे हम अंदर टक इन कर देंगे या इसको भी ऐसे कर दीजिए जस्ट लाइक दिस सी वन वे ऑफ मेकिंग पराठा इज रेडी इसकी एक लोई बन के रेडी हो गई है इसे हम रेस्ट के लिए छोड़ेंगे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस इन अदर स्टाइल इसको भी हमने पतला बहुत रोल कर लिया है अब मैं इसमें ग्रीस कर रही हूँ अच्छे से पूरे कॉर्नर्स पे यहाँ मैं पिज्जा कटर ले रही हूँ आप चाहें तो नाइफ भी ले सकते हैं ऐसी पतली पतली स्ट्रिप्स काटनी है हमें पिज्जा कटर इज वेरी कन्वीनियंट फॉर दिस वन पर आपको ध्यान रखना है कि आपको जो इसकी शीट बनानी है वो बहुत ही पतली होनी चाहिए अगर आप मेरी इस शीट को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें नीचे की बेकिंग शीट भी दिख रही होगी बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स बनानी है हमें इसकी ग्रीट सो वंस दिस इज चेक कर लीजिए कहीं ज़्यादा स्पेस रह गया तो उसे भी आप क्लियर आउट कर लीजिए ओके सो okay, so अब एक नाइफ़ की हेल्प से इसे हम कलेक्ट करेंगे सो so, एक रोल की फॉर्म में से हम ले आएंगे जो हमारा पहला तरीका था बनाने का उस पर हमने एक पेपर फैन के स्टाइल में बनाया है और ये दूसरे स्टाइल में हमने इसको पिज्जा कटर से स्ट्रिप्स काटकर अब इसे हम कलेक्ट कर रहे हैं ये देखिए ऑयल इसमें लगा हुआ है तो काफी आराम से हो जाएगा ये देखिए पूरा कलेक्ट हो गया हमारा राइट नाउ व्हाट वी विल डू इसको भी हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसको हम ऐसे करते हुए हाथ में इसके भी हम एक रोई बना लेंगे ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है यू कैन सी इट योर सेल्फ सो इन दो तरीके से मैंने हमारे पराठाज के लिए रोल बना के रख लिए हैं ये देखिए सो लेफ्ट साइड में जो है वो हमारे स्टेप वन के हैं राइट साइड स्टेप टू दोनों ही बनाना बहुत आसान है आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप उसी तरीके से बनाएं अब इन्हें हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ना है ऐसे हम थोड़ा सा और ग्रीस कर रहे हैं चलिए टाइम हो गया है नाउ स्टेप वन पराठा वी आर रोलिंग सो इसे रोल करने के लिए हम एक रोलिंग पिन बेलन का इस्तेमाल करेंगे ये देखिए काफ़ी हल्के हाथ से इसे हमें रोल करना है ताकि ये जो इसके लच्छे हैं जो स्ट्रिप्स हैं वो अच्छे से आए राइट नाउ स्टेप नंबर टू जो हमने पिज्जा कटर से काटा था उसे उसके लिए हमें रोलिंग पेन इस्तेमाल नहीं करना उसमें हम हल्का हल्का अपने हाथ में ऑयल लगाकर इस तरह से उसको स्प्रेड करते जाएंगे ट्रस्ट मी बहुत आराम से हो जाएगा अगर आपके पास ऐसी बेकिंग शीट नहीं है तो आप प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन करके उस पर भी कर सकते हैं अदरवाइज आप एक स्टील की प्लेट में भी उसको उल्टा रख कर उसको भी ग्रीस आउट करके कर सकते हैं चलिए आप ये पराठे रोल हो गए हैं इन्हें हम नॉर्मल पराठों की तरह सेकते हैं आप नॉन स्टिक तवे पे नॉन स्टिक पैन में वट एवर यू कम्फर्टेबल विथ एट दिस कितने ब्यूटिफुल लग रहे हैं ये देखिए ये पहले स्टाइल का है राइट ओके हम ऐसे करेंगे हमारे सारे स्ट्रिप्स लच्छे पूरे अच्छे से निकल के आपको आ जाएंगे इस वीकेंड पे आप इसे जरूर बनाइएगा योर फैमिली इज गोइंग टू लव इट देखिए कितने सुंदर दिख रहा है हमारा बहुत डिलिशियस लगेगा आपको इस चटिना चिकन के साथ ये सेकंड स्टेप वाला है जिसे हमने पिज़्ज़ा कटर से कट किया था ये देखिए कितनी सुंदर लेयर्स लग रही हैं ओके इन्हें भी हम अच्छे से लो फ्लेम पे सेकेंगे ताकि हमारा मैदा जो है वो कच्चा ना रह जाए और पराठा अच्छे से अंदर बाहर दोनों तरफ से कुक हो जाए देखिए तो इसी तरह से मैंने अपने सारे परांठे बना लिए एक गरम-गरम खाने का अपना ही मजा है ओके okay. चलिए रेडी हैं मुझे तो वेट नहीं हो रहा है मैं कब खाऊँ इनको जाके ये देखिए लुक एट दिस ब्यूटीफुल लेयर्स हैव कम ध्यान से देखिए आपको बहुत सारी लेयर्स इसमें आएंगी काफ़ी अच्छा इसको आप क्रश कर देंगे ये लेयर्स हमारी बहुत अच्छे से खुल कर आएंगी तो आई होप आपको ये हमारा माला पराठा दोनों तरीके से बनाना काफ़ी आसान लगा होगा और ये चटिना चिकन इज़ वेरी डिलिशियस ईजी टू तो मेक इस वीकेंड पे आप हमारी रेसिपी जरूर ट्राई करिए आपके घर पे कोई गेस्ट आने वाले हैं कोई स्पेशल ओकेजन है और आपके हस्बैंड या वाइफ को या फैमिली मेम्बर्स को ये पसंद है सो डू ट्राई दिस थैंक यू